गुड मॉर्निंग। सिक्स क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय टेंस का, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अध्ययन किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने आपको पढ़ाई, और उस टेंस में कौन कौन से एडवर्बियल्स हैं उनका भी अध्ययन किया था। बच्चों, प्रेजेंट टेंस के जो तीन भाग हमने आपको पढ़ाए हैं वह आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम जो प्रेजेंट टेंस का अंतिम भाग है, चौथा पार्ट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। कि ऐसे कार्य, देखिए, ऐसे कार्य जो वक्ता द्वारा व्यक्त किए जाने के समय जारी हो, यानी कि ऐसे कार्य जब कोई भी व्यक्ति होता है, वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, कहने वाला होता है, उसके द्वारा कहे जाने के समय जब वो कहता है उस वक्त अगर कार्य जारी है जिसका कुछ अंश पूर्ण हो चुका हो, जिसका कुछ अंश क्या हो चुका हो, यानी कि जो कार्य होगा उसका थोड़ा बहुत पार्ट पूरा हो चुका होगा, तो उसको, उन वाक्यों को इस टेंस में शामिल किया जाता है। यानी कि कुछ भाग, कुछ अंश पूर्ण हो चुका होता है, ऐसे वाक्य इस टेंस में शामिल किए जाते हैं। जैसे कि श्याम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब 2 घंटे से पढ़ रहा है तो उसने कुछ एक पार्ट उसका पढ़ चुका है, बाकी पढ़ेगा, यानी कि कार्य वर्तमान काल में जारी है और उसका कुछ अंश पूर्ण हो चुका है, ऐसे वाक्यों को इस टेंस में शामिल किया जाता है। वह दोपहर से क्रिकेट खेल रहा है। अब दोपहर से खेल रहा है, अब शाम होगी, यानी कि कुछ अंश पूर्ण हो चुका है, अभी और भी खेल रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इस टेंस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसकी पहचान देख लीजिए, मैं आपको पहचान बताता हूँ कि जो इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, यानी कि आदि शब्द आते हैं। से रहा, से मतलब रहा है, रहा होगा, रही होगी, नहीं सॉरी, रहा है, रही है, रहा हूँ, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, आदि शब्द, यानी हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, से रहा है। से रहा है का मतलब वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब से रहा है 2 घंटे, यानी कि वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, से रहा है, से रही है, से, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से बारिश हो रही है, यानी कि इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें कार्य का कुछ अंश पूर्ण हो चुका होता है और कार्य अभी चल रहा होता है वर्तमान काल में। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहिए, रहे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, इसमें हम आते हैं तो यही है, रहा है, रहिए, रहे, रहा हूँ, लेकिन हमें इनमें जो हमारा कार्य है उसका समय दिया गया होता है कि जो कुछ अंश पूर्ण हो चुका होता है कार्य का, उसका कुछ, हमें जो कार्य दिया होता है उसका कुछ अंश पूर्ण हो चुका होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को पता कैसे चलेगा हमें, क्योंकि उनमें टाइम दिया जाएगा, समय दिया जाएगा आपको, और इस टेंस में जो समय सूचक शब्द है कौन कौन से, सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है इसमें, जो हमें निश्चित समय के साथ सिंस का फोर करेंगे, अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब इसके जो अनुवाद के नियम देख लो, हम कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो अंग्रेजी में अनुवाद के नियम देखिए, अंग्रेजी में अनुवाद के नियम, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तथा शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज बीन, यानी कि थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, किसी का भी नाम हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हैव बीन किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, और जो बहुवचन कर्ता हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये इसके अंग्रेजी में अनुवाद का नियम है कि हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कर्ता सिंगुलर है तो हैज बीन, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। दूसरी बात, जो टाइम दिया जाएगा
उसके लिए हमें सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। अक्सर इन वाक्यों में क्या किसका प्रयोग होता है? सिंस तथा फोर। तो सिंस और फोर के बाद समय दिया होता है, तो सिंस फोर का प्रयोग कैसे करें? देखो बच्चों, जब सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के साथ, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कि निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग होता है। अब निश्चित समय कैसे हमें पता चलेगा? निश्चित समय होता है जिसमें हमें गिनती वाला जो टाइम नहीं दिया गया होता है, जैसे कि 2 घंटा, 4 सप्ताह, 4 वर्ष, 6 महीने, इस प्रकार से उसमें गिनती नहीं मिलती। यानी कि आपको क्या मिलेगा? पूरा समय दिया जाएगा। जैसे कि जनवरी है, अब जनवरी एक निश्चित माह का नाम है, फरवरी है, 2004 है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, इनको हम निश्चित समय बोलते हैं। यानी इवनिंग का समय, शाम के समय को हम शाम ही बोलते हैं, सुबह थोड़ी बोलते हैं। इवनिंग, मॉर्निंग, ये निश्चित समय का उपयोग, इनके साथ हमें सिंस का उपयोग करना है। 2 डेज, 2 वीक्स, 1 आवर, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब हम गिनती में समय दे दिया जाता है, जैसे 2 घंटे, अब 2 घंटे कोई निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे कब की बात कर रहा है? सुबह के 10 से 12 की बात कर रहा है, ये शाम के 5 से 7 की बात कर रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार के समय होता है अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के साथ किसका प्रयोग करेंगे? फोर का करेंगे। निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें सिंस फोर का प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि निश्चित समय दिया जाएगा उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय होगा उसके साथ फोर का प्रयोग करेंगे। ये तो था इसका निश्चित और अनिश्चित समय का। यानी कि आप देखिए, ये एग्जांपल देखिए, पैटर्न देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, फिर हमारा सिंस फॉर है प्लस में टाइम है। यानी कि सबसे पहले हमें कर्ता, हमारे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई। आई हमारा सिंगुलर, सॉरी प्लूरल में काउंट होता है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। रीड माने होता है पढ़ना, 4 2 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग 4 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब यहाँ पर 2 आवर है वो कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए उसके साथ फोर का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, वह 3 घंटे से, सॉरी 3 बजे से क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अब 3 बजे यहाँ पर एक घड़ी का समय है, ये निश्चित समय है, 3 o'clock, घड़ी का जो समय होता है वो निश्चित समय के अकॉर्डिंग आता है, अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन लगाएंगे। यानी कि इनमें ध्यान क्या रखना है हमें ज़्यादातर, कि सिंस फोर का प्रयोग कैसे करना है। साधारण वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में भी आता है, लेकिन जो सिंस फोर है ये निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग करेंगे। ये नीचे मैंने आपको बताया किस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं किस प्रकार से उनमें लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर मॉर्निंग शब्द है वो निश्चित समय का सूचक है, इसलिए उसके साथ क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे नीचे वाला सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर 2 आवर्स 2 घंटे अनिश्चित समय है, क्योंकि 2 घंटे का समय पता ही नहीं हमें कब का बता रहा है, तो जो अनिश्चित समय होता है उसके साथ हमें क्या करेंगे? सेंस लगाएंगे। अनिश्चित समय के साथ, सॉरी अनिश्चित समय के साथ फोर लगाएंगे, और निश्चित समय के साथ सेंस लगाएंगे। और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसी में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कर्ता हमारे सिंगुलर हैं, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं? ही, सी, इट, किसी का भी नाम हो सकता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो इस टेंस में आई है, वी है, यू है, दे है, इनका प्रयोग हो जाता है। हिंदी में इसकी पहचान में क्या होता है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं, लेकिन उनके साथ समय दिया जाता है, जैसे कि मैं 2 घंटे से, 4 सप्ताह से, 4 वर्ष से, 2005 से, 1945 से, ये इस प्रकार से वो टाइम टेबल दिया जाता है। तो ये होता है निश्चित टाइम टेबल और अनिश्चित समय के बारे में। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से नोट का प्रयोग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आती हैं, तो उनकी जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नोट लगाएंगे, यानी हैज़ नॉट बीन हो जाएगा और हैव नॉट बीन हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये इस प्रकार से वाक्य बनाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कल के बाद हम आपको पास्ट के जो पार्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनेट का पहला भाग है, पास्ट इंडेफिनेट, उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। और बच्चों, जो आपको इंग्लिश में हम होमवर्क दे रहे हैं रोज़, उसको आप आवश्यक रूप से अपने नोटबुक में ऐड करते रहें, ताकि फिर आपको बाद में उसको पढ़ने में कोई खास समस्या नहीं आए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।
नेक्स्ट वीडियो में आगे अध्ययन करेंगे। थैंक्स।